हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दिन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री MHI 04 भारत में राजनीतिक संरचनाओं का यूनिट 4 पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है और इस वीडियो के थ्रू आपको मैं रफली ये बताने वाला हूँ कि इस यूनिट के अंदर में कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह के टॉपिक्स होते हैं और किस तरह के पैटर्न होगा आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने का क्वेश्चंस का, और उन क्वेश्चंस का आंसर किस तरीके से लिख सकते हैं, इसके बारे में शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यूनिट 4 के अंदर में हमें पढ़ना है औपनिवेशिकरण, जहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि आप एक ब्रिटिश हुकूमत के गुलाम हो। भारत गुलाम था, नॉर्मली 200 सालों तक गुलाम रहा, तो उपनिवेश हैं हम किसके, ब्रिटिश सरकार के, और उस समय की स्थिति के हिसाब से जो चैप्टर सारे, जो टॉपिक सारे हैं वो हमें इसके अंदर में स्टडी करना है। क्या है हमारा पहला जो चैप्टर है, 18वीं सदी की राज्य व्यवस्थाएँ। अब यहाँ पर 18वीं सदी का दौर चल रहा है और हम ब्रिटिश सरकार के गुलाम हैं, ठीक है। उस समय की किस तरह की राजनीतिक व्यवस्थाएँ रही थी, तो 18वीं शताब्दी के अंदर में कई तरह की राजनीतिक उथल पुथल रहा, ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ बहुत तेजी से, साथ साथ में कई सारे जो राज्य व्यवस्था थी, जैसे छोटे छोटे राजवाड़े थे ना, जो बड़े बड़े राजवाड़े थे, जैसे मुगलों का पतन हुआ, ठीक है, औरंगजेब के बाद कोई शक्तिशाली शासक नहीं आया, तो और मुगलों का ऑलमोस्ट भारत के बहुत ज़्यादा हिस्से पे कब्जा था, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि अपने आप को ना स्वतंत्र घोषित करने लगे, तो स्वतंत्रता की मांग अपने आप पूरे भारत के अंदर में बढ़ गया, ठीक है, मुगलों के पतन के बाद ही। साथ साथ में क्या हुआ, छोटे छोटे राजवाड़ों का उदय हुआ और जो अंग्रेजी शासक थे, ब्रिटिश शासक थे, उनके द्वारा एक नौकरशाही व्यवस्था को लागू किया जाने लगा, ठीक है, पूरी तरह से लोकतांत्रिक लोगों नौकरशाही व्यवस्था को लागू किया जाने लगा, और अलग अलग तरह की जो लोगों की मांग थी वो ब्रिटिश सरकार तक पहुंचने लगी, ठीक है। महिलाओं के प्रति हो रहे अन्याय कुरीतियाँ, उनके खिलाफ भी कानूनों का निर्माण किया जाने लगा, ठीक है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा टैक्स स्ट्रक्चर में चेंजेस की जाने लगी, ठीक है, धन निकासी जैसी योजनाएँ लागू की जाने लगी, ठीक है, भारत के अंदर में रेल अलग अलग तरह की प्रणालियाँ लागू की जाने लगी, तो वो सारा कुछ यहाँ पर चल रहा होता है, ठीक है। छोटे छोटे राजवाड़ों का उदय होना शुरू हो गया, तो ये यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर में टोटल डिस्कस करना है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आपके चैप्टर के नाम पर ही बनता है कि 18वीं सदी की राजनीतिक व्यवस्था को बताइए, ठीक है, कि राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की रही 18वीं सदी की। यहाँ पे अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है, अगला चैप्टर आता है जो हमारा चैप्टर नंबर 13 इस यूनिट का सेकेंड चैप्टर, औपनिवेशिक शक्तियाँ पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी। अब देखो, भारत के अंदर में अलग अलग शक्तियाँ आई जिन्होंने भारत को गुलाम बनाने की कोशिश करी, जिसमें से पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी भी एक हैं, पर ये उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं रही और इतनी ज़्यादा सक्षम नहीं रही कि भारत को गुलाम बना सके ज़्यादा दिन तक, ठीक है। तो नॉर्मली ब्रिटिश शासन इसके अंदर में सफल रहा, बाकी उतने ज़्यादा सफल नहीं रहे। तो इनका आधारशिला किस प्रकार का रहा, इनका राजनीतिक और प्रशासनिक स्ट्रक्चर किस प्रकार का रहा, उसके बेसिस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि फ्रांसीसी जो शक्ति थी, औपनिवेशिक शक्ति थी, उसका भारत के अंदर में प्रशासनिक व्यवस्था या प्रशासनिक जो तंत्र था वो किस प्रकार का था, ठीक है। उसी तरह से डच का भी, पुर्तगालियों का भी सेम क्वेश्चन यहाँ पर बनकर आ जाता है। अगर मैं चैप्टर 14 का देखूँ, इस यूनिट का तीसरा चैप्टर, ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है कि औपनिवेशिक राज्य का स्वरूप किस प्रकार का होता है, तो औपनिवेशिक राज्य का स्वरूप की अगर बात करूँ, तो ब्रिटिश शासन का काल चल रहा है, ब्रिटिश हेड पर बैठा हुआ है, मतलब पूरे भारत का हेड कौन कर रहा है, लीड कौन कर रहा है, तो ब्रिटिश सरकार कर रहा है। उसने अपने हिसाब से भारत की राजधानी को चेंज किया, कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया, भारत के कई सारे राज्यों का बंटवारा किया, उसने रूल रेगुलेशन अपने हिसाब से राजा को जगह दी, जो उसके साथ मिलकर काम कर रहा था उसके हिसाब से वो किया, अपने हिसाब से रूल रेगुलेशन सेट किया, ठीक है, सब कुछ मतलब वहाँ से वो चल रहा है। तो उसका स्वरूप किस प्रकार का है राज्य का, वो आपको यहाँ पर बताना है। साथ साथ में एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बन जाता है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य का राजनीतिक अर्थव्यवस्था किस प्रकार का था, ठीक है, इकोनॉमिक जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का था, वो यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको इजीली डिफाइन कर सकते हो, कोई ज़्यादा वो नहीं है, थोड़ा सा पढ़ोगे आप इजीली कर सकते हो। 15वां हमारा जो चैप्टर है यहाँ पे, ठीक है, राजसी, राज्य या रियासतें। यहाँ पर हम बात करें कि रियासतों के, जो छोटे छोटे राजवाड़े हुए ना, रियासत हुए, उनकी प्रशासनिक संरचना किस प्रकार की थी। तो देखो, अंग्रेजों के खिलाफ कई तरह के जो राजवाड़े थे वो खुलकर सामने आए, जैसे आप रानी झांसी का ले लो राजवाड़ा, ठीक है, बुलंदशहर का जो था, और भी अलग अलग तरह के जो राजवाड़े थे वो खुलकर आए, सामने आए, ठीक है, और वो अंग्रेजों का विरोध करने लगे, जिसके लिए क्या हुआ, अंग्रेजों ने कई तरह के रूल रेगुलेशंस भी उनके खिलाफ बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे राजसी जो रियासतें थे, छोटे छोटे रियासतें थे, उनका प्रशासनिक स्ट्रक्चर किस प्रकार का था, वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है, समझ में आता है। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आपको, दोबारा मुझे बनाना पड़ रहा है, क्योंकि कल मैंने सारी यूनिट की, टोटल 7 यूनिट की MHI 04 की वीडियो में डाल चुका था, बट उसमें कुछ वॉइस की प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके कारण से मुझे दोबारा वीडियो बनाना पड़ा है,
ठीक है। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और आप सभी देखने वाले स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगा कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आगे और भी इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलने वाली हैं जिससे आपको बेनिफिट हो सके, एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।